तो बाइक कैसे लेके आऊँ मैं फिर? लोड करके ला, एक दिन में रेडी कर दोगे बाइक को? तो सर क्यों खोल के रखा फिर ये? क्यों खोल के रखा फिर सर्विस सेंटर? काम करने के लिए खोल के रखा, तो सामान देने के लिए भी खोल के रखो। इसका ना मेरे को ना अभी पोजीशन सीखना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम हो गया स्पोर्ट्स बाइक्स राइड करे हुए। अब आरसी को भी लेके जाया करेंगे भाई ऑफ रोड पे। हम निकल चुके हैं घर से और ये डॉगी देखो यार बेचारे, ये कहाँ घूम रहा है रास्ते में। और यहाँ पे चली अपनी आरसी 390, इसको भी मैं आगे चल के दिखाता हूँ अभी कार्तिक भाई राइड कर रहे हैं। बिकॉज यार इसका ये जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं इनमें रेडिएटर फैन होता है, सब लोगों को पता है। दिक्कत ये होती है भाई इंजन कूलिंग नहीं होती प्रॉपर, और NS में बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, मुझे बहुत अलग लग रहा है। तो बात करें इस बाइक के बारे में, ये BS3 मॉडल है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आता है KTMs में। तो अभी हम इसे खुद ही नहीं स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्पीड में चलाएंगे ना तो दिक्कत ये होगी भाई इसका ना, मतलब फ़ैन ऑन हो जाएगा और फ़ैन ऑन हो नहीं रहा इसका। वही मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, शायद इनका ना हीट सेंसर होता है इन बाइक्स का, मतलब हीट सेंसर वो ख़राब हो गया होगा शायद, उस वजह से वो मेज़रमेंट नहीं कर पा रहा। वो क्रेजी बट लुक बहुत फाड़ू आ रही है। अभी तो मैंने वॉशिंग भी नहीं करा है क्योंकि पीछे कीचड़ वाले रास्ते हैं ना, तो पूरा कीचड़ ऊपर आ रहा है। एंड नंबर प्लेट्स वगैरह तो अभी नहीं लगाई है, नंबर बड़ा ख़तरनाक होगा बाइक का देखना। तो अपनी जो फॉक्सी है ना भाई, वो भी मैंने उसका भी काम करवाना है, उसमें भी टायर चेंज होने वाले हैं। यार दो बाइक्स लेना मतलब इजी तो नहीं होता है, बट कोई बात नहीं यार, क्योंकि दोनों बाइक अगर तुम्हारी कंटिन्यू वर्किंग पे चल रही है ना, कंटिन्यू चल रही है बाइक से, दोनों बाइक्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई अभी ना मैं एक ट्रिप प्लान करता हूँ जल्दी से, पहले अपनी बाइक्स को रेडी करवाते हैं। एंड इस RC को मेरा चलाने का मन तो नहीं करता क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बाइक्स पसंद नहीं है, बट इसकी जो पावर है ना उस चक्कर में मैंने इसको लिया हुआ है। ऐसे तो मैंने बाइक लेना नहीं था, बट आपको पता है मैंने ये बाइक क्यों लिया है? अभी भी मैंने एक रेस मिस किया अपना, जो वो मेरा नेक्स्ट टाइम वाला रेस होगा ना, उसके लिए मैं बाइक को बनाने वाला हूँ। अपनी RC 390 को और X-Pulse को दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ। इन दोनों बाइक्स को कंबाइन करके एक बाइक हम रैली रेस के लिए बनाने वाले हैं और एक रखेंगे हम स्पोर्ट्स मतलब नॉर्मल राइड्स के लिए, ठीक है? तो वो मॉडिफिकेशन भी करेंगे फिलहाल के लिए। तो अभी मेरे अकाउंट की हालत ख़राब ही चल रही है, रेस्ट लेते हैं 5 मिनट्स का। देख सकते हो भाई हीट पूरा इसके साइंस ऊपर तक आ गया है, मतलब हीट हो चुका है इंजन। अभी तो दो कम भी हो गए और फ्रंट से कुछ इस तरह का है अपना। मेरा मन तो नहीं करता इसको चलाने का, बट मैंने सिर्फ, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ इंजन के लिए लिया है इसको, मतलब जब मैं बाइक को रेडी करूँगा रैली बाइक में कन्वर्ट करूँगा, मतलब मैं X-Pulse को, इसके लिए। आज लंच टाइम में हम पहुँचने वाले हैं और काम तो हो जाएगा वैसे आज, इतना तो मैं श्योर हूँ, बट लेट हो जाएंगे यार घर के लिए। ओहो कार्तिक भाई, मैं इस बाइक को ना पूरा डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ थोड़े टाइम में। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है, अगर आप लोग बताते हो कि भाई RC में ब्लॉक करो, RC 390 में ब्लॉक करो, इसकी पावर दिखाओ, इसकी टॉप स्पीड दिखाओ, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। NS का एंगल सेट करना पड़ रहा है भाई यार, इसका एंगल बहुत अलग है। मतलब X-Pulse का हमारा पूरा टी आता है ना, इसका पूरा ये टैंक से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा हेड डाउन करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स वाली लुक लेनी पड़ेगी, तभी अपन इसमें ब्लॉक कर पाएगा। तो भाई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा ही दूर है बस पहुंचने वाले हम, क्या रुकते हैं एजेंसी के पास। तो भाई अभी भी आ चुका है, मैं नीचे नहीं जा सकता ना, लड़ गया हूँ मैं यार यहाँ पे लगने वाला टाइम। और जब मेरी फाइट वाली वीडियो, वो आप देखो जब मैं इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था, वो वीडियो इन्जॉय करो तब तक, ठीक है? सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी मैं KTM कांगड़ा से बात कर रहा हूँ, एंड एक्चुअल में यहाँ पे मेरे साथ छोटी सी मिस हैपनिंग हुई है। मैंने यहाँ पे ना मेरा बाइक ख़राब हो गया है, एंड मेरा बाइक यहाँ से बहुत दूर है, तो मुझे ये सामान चाहिए था यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि काउंटर सेल बंद है, बाइक लाना पड़ेगा। सो लेट्स सी सर, मेरा बाइक ना एक्चुअल में ख़राब हो गया ना, तो उसके लिए मेरे को सामान चाहिए। मेरा बाइक ख़राब हो गया ना रास्ते में, तो उसके लिए मेरे को सामान चाहिए। बाइक मेरा RC 390 है, वो बोल रहे मैनेजर से बात करो, काउंटर सेल बंद है क्या? तो क्या बाइक लानी पड़ेगी? बाइक तो मेरा दूर है ना इस टाइम। सर मिल जाएगी क्या सील्स वगैरह? नहीं मिलेगी, तो मेरा बाइक वहाँ पे है, तो मैं क्या करूँ अभी, वहाँ से ले गया हूँ यहाँ पे। तो आपका कोई चलेगा वर्कर मेरे साथ? वो बोल रहे हैं आपसे बात करो, आप बोल रहे हैं उनसे बात करो। नहीं सर, तो इतनी दूर से मैं कैसे बाइक ले गया हूँ? बड़ी दूर ख़राब हुई है ना मेरी बाइक, तब मैं बोल रहा हूँ। वो तो मैं डलवा लूँगा, मैं खुद ही डाल लूँगा वो तो।
बट ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि मैं बाइक को वहाँ से लेके आऊँ। हाँ, ओनर का नंबर मिल सकता है? ओनर से बात करवा दो। मेरे तो पालमपुर में है सर। अभी क्या करना फिर, आप खुद बताओ। बाइक में ला नहीं सकता ना। सर ओनर का नंबर देना। ओनर का नंबर नहीं है? वो बोल रहे हैं आपसे बात करो, ओनर का नंबर आपके पास है? हाँ, मेरे पर्सनल, मेरा बैकअप टीम है ना, उसने खोला है बंदे ने। अभी एकदम से सामान मिलेगा नहीं, और यहाँ पे छोड़ दूंगा तो टाइम लगेगा। 16000। ओके सर, थैंक यू। के टी एम कांगड़ा को रेटिंग ना मैं तो बिल्कुल जीरो देने वाला हूँ भाई। तो बाइक कैसे लेके आऊँ मैं फिर? लोड करके ला। एक दिन में रेडी कर दोगे बाइक को? तो सर क्यों खोल के रखा फिर ये? क्यों खोल के रखा फिर सर्विस सेंटर? काम करने के लिए खोल के रखा, तो सामान देने के लिए भी खोल के रखो। अगर कोई बंदा मजबूरी में आ रहा है ऐसा फ़ायदा उठाएंगे उसका? सो गाइस, यहाँ पे कंप्लेंट भी करके देखा, यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है ना। ये ओनर का नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। बाइक यहाँ पे लाओगे तभी तुम्हारी बाइक की सर्विस होगी, अगर बाहर तुम करवा रहे हो तो भाई कोई ये नहीं है। इडियट्स। एंड यहाँ का स्टाफ एकदम बेकार है भाई, मुँह पे बोलता हूँ मैं। 2 hours later फाइनली भाई अपनी आरसी रेडी हो चुकी है, एंड मैं सर्विस सेंटर से इसको बाहर लेके आ गया हूँ। और अभी इसका ना फैन वगैरह सब कुछ नया डला है। एंड भाई कसम से मैं सही बता रहा हूँ, मैं फ्रैंक होके बता देता हूँ जो भी होता है, मेरा अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है भाई। क्योंकि मैंने ना इस पर अराउंड अभी 30,000 मैंने स्पेंड कर चुका हूँ मैं इस मंथ। मतलब तुम लोग देख रहे थे, मैं 10 days से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तब से मैं इस पर लगा हुआ हूँ। मैंने सारे पैसे उड़ा दिए। और सामने ना भाई कार्तिक भाई चले हैं, और हम काफ़ी लेट हो गए पीछे, क्योंकि सब लोग आ गए थे, ऋषि भाई वगैरह, तो हम लोग ना बातें करे जा रहे थे। तो अभी शाम हो चुकी है और दूसरा जा रहे हैं हम घर। और मतलब मैंने 30,000 इस पर स्पेंड करने के बाद भी अभी भी मुझे इस पर काम करना पड़ेगा भाई। मैं कसम से यार, दो बाइक्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, जबकि मेरे पास प्रॉपर जॉब नहीं है। एंड यूट्यूब पे भी यू नो गाइस, जब तक वीडियो डालेंगे हम तब तक क्या कर रहे हो भाई, जब तक वीडियो डालेंगे हम तब तक इनकम आएगा, जब तक वीडियो रोक देंगे उसके बाद इनकम नहीं आएगा। तो घर वालों से भी लेने में ना, मतलब घर वाले मेरे को पॉकेट मनी तो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड हो जाता है, बट फिर भी यार अच्छा नहीं लगता। मन करता है, दिल करता है खुद अपने पैसे से सब कुछ करें। तो भाई मैं इस बाइक को इतना भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा, मुझे ना स्पोर्ट्स बाइक्स पे इतना मज़ा नहीं आता भगाने का, क्योंकि यार ये ना रुकती नहीं है। जितने इनमें पावर दी हुई है ना, उस हिसाब से ये बाइक्स रुकती नहीं है। और यहाँ पे देखो ये बनी हेलमेट्स का ट्रेंड कितना चला हुआ है। ओ पुलिस वाले, इस पे जो सीटिंग पोजीशन है ना भाई, ऐसा झुक के बैठना पड़ता है ना तो हाथ में दर्द हो जाती है। अरे बनी हेलमेट। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई आपने 390 लिया फिर भी आराम से चल रहे हो। भाई मैं कोई भी बाइक ले लूँगा, मैं आराम से चलता हूँ, क्योंकि यार सामने वाले बंदों का हम नहीं पता कर सकते कि उसकी ड्राइविंग कैसी है, वो ड्रंक है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी दिक्कत होती है, इसलिए रोड पे मत चला करो मेरे भाई। मेरे मोटो व्लॉगर्स जितने भी फ्रेंड रह चुके हैं यार, जो हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी को ये बोलता हूँ, रोड पे मत चला करो फास्ट। तो फाइनली भाई इसका ना एंगल समझ नहीं आ रहा, मैं किस तरह से पकड़ूं बाइक को, मतलब किस तरह से रखूं, क्योंकि मैं पूरा झुक के बैठ रहा हूं। एंड अपना हेलमेट भी यार, ऑफ रोड हेलमेट है, दूसरा हेलमेट भी लेना पड़ेगा अगर मन बनता है बाइक रखने का तो। वो तो इसी तरह से हम लोग पहुँच चुके हैं एक मार्केट में। और ये देखो भाई, एक्सपोज में ना ऐसे निकलती थी ना इन खड्डों में, समझ रहे हो, उड़ते हुए भाई, इतना वजन, क्रेजी। मैं तो कभी कभी चलते चलते ना कृष्णा की एल्बम पूरी बजती रहती है मेरे हेलमेट में। बट अभी ना अपन ब्लॉग्स नहीं कर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, खुल के पैसा कमा रहे हैं, और मैं रोए जा रहा हूँ। तो अभी ब्लॉग्स कंटिन्यू रखेंगे भाई लोग, ठीक है। एक ना एक दिन तो अपना भी चैनल ग्रो होगा, अच्छे से ग्रो होगा। इसका ना मेरे को ना अभी पोजीशन सीखना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम हो गया स्पोर्ट्स बाइक्स राइड करे हुए। अपना तो ऑफ रोड कंटेंट है पूरा, ऑफ रोडर्स। अब आरसी को भी लेके जाया करेंगे भाई ऑफ रोड पे। कार्तिक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कार्तिक भाई। जस्ट यहाँ पे रुकते हैं,
को वॉशिंग वगैरह करना पड़ेगा। एंड सामने से कुछ इस तरह की लुक है, प्रोजेक्टर मैंने ऑफ रखा है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ ऑन करने का। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, आज हमने अपनी पूरी आरसी का काम करवा लिया है साथ में से कार्तिक भाई ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट राइड करेंगे कुछ खतरनाक, ठीक है भाई, बाय गाइस।